नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में राम भक्ति का भी उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन अब योगी सरकार को कार सेवक भी एकाएक याद आ गए हैं। तभी तो यूपी सरकार राम जन्मभूमि आंदोलन में जान गंवाने वाले बलिदानी राम भक्त कार सेवकों के घर तक सड़क बनवाएगी, साथ ही इन राम भक्तों के नाम के साथ ही फोटो भी लगाई जाएगी और सरकार इन सभी को शहीद का दर्जा देगी। सवाल ये है कि अब क्यों याद आ रहे हैं कार सेवक। जाहिर है कि यूपी चुनाव की तपिश ने बीजेपी के राम के शरण में बीजेपी को लाने पर मजबूर कर दिया है, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी राम के शरण में दिखाई दे रही है। वैसे चुनावी मौसम में सब जायज होता है, सारी गलतियां माफ होती है। वैसे 1989 में राम बहुत तेजी से बदले हैं। आपको बता दें कि राम अब शील मृदुशांत नहीं रह गए हैं। धनुष पर कृत्यंचा चढ़ाकर क्रोध राम एक नया राजनीतिक नारा बन गया है। राम के नाम पर वोटों और समुदायों का चुनावी ध्रुवीकरण भी खूब हुआ है। इसका असर भी सियासी पार्टियों पर पड़ा। अब जब चुनाव सिर पर है तो विकास के मसलों पर जोर ना देकर राम राग अलापा जा रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं बीजेपी की असुरक्षा ना कहें तो और क्या कहें। मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रभक्ति का, समाज का, धर्म का, अध्यात्म का, उदार भावनाओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन था जो उन्होंने अपने प्राण देकर किया था। और उनको समाज स्मरण रखे इसलिए उन रास्तों पर उनका नाम, उनके नाम से रास्ते हों, ये बहुत ही अच्छा रहे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और मौर्या जी का इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये सब तो चुनाव सामने हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चुनाव जीतने के लिए वो ये नहीं बता सकते कि 5 साल में हमने कितना विकास का काम किया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितने शिक्षकों को रोजगार दिया और कितना इसे आर्थिक रूप से हमने उत्तर प्रदेश को सबल बना पाए। तो ये सब जब बताने को नहीं है तो अब इसी तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वो वोट हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले हासिल किया। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में यूपी सरकार राम जन्मभूमि आंदोलन में जान गंवाने वाले बलिदानी राम भक्त कार सेवकों के घर तक सड़क बनवाएगी। अब उनको कार सेवकों की याद आ गई, उन कार सेवकों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर उन 4 सालों में याद क्यों नहीं आई और चुनाव सर पर आते ही उन कार सेवकों की याद क्यों आ रही है। तो क्या एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा, राम के नाम पर फिर से बीजेपी अपनी नैया को पार लगवाना चाहती है, इस पर आज तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं एसपी के। विवेकानंद पाठक जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। प्रोफेसर विवेक सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय गिरी जी आपसे ही है। सर, 4 साल में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चुनाव सर पर आए और आप लोगों को एक बार फिर से राम की याद आ गई, उन कार सेवकों की याद आ गई जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, क्यों? सबसे ज्यादा प्रतिदिन अनुपूजित होने वाला जो स्तर है वो राम। हमारे लिए पूजा में राम है, प्रार्थना में राम है, आराधना में राम है, विश्वास में राम है, मन में राम है, शाम में राम है, दिन में राम है, रात में राम है, हमारा जीवन में राम है, मृत्यु के बाद राम है, हमारे जीवन ही राम है। ये अलग बात है कि आपकी दृष्टि कब गई, आप उसके बारे में कब जानना चाहते हैं, बाकी राजनीतिक दलों चुनाव और चुनाव से जोड़कर देखते हैं। हमारे राम चुनाव राजनीति नहीं है, हमारे राम एक जीवन मूल्य,
हम राम को जीते हैं और हमारे लिए राम का उचित स्वर है वो राम। तो सर क्या नहीं लगता कि उससे पहले आपको याद आनी चाहिए थी? आज याद आ रहा है कि जिन्होंने बलिदान दिया, जो राम भक्त कार सेवक जो जिन्होंने बलिदान दिया, उनके घर तक सड़क बनवाई जाएगी, उससे पहले क्यों नहीं? हमारा जो समाज वो हम लोग सम्मान करते हैं सर, हम तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं ना सर, हम तो ये कह ही नहीं रहे मत बनवाइए, हम तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। कुछ सब पहले शुरू हुआ है, कहाँ टाइमिंग की बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले निर्माण ही शुरू हुआ, पहले मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसके बाद रोड बनेंगे, रास्ते बनेंगे, तो कई समय पर बात की जा रही है, इसमें कहाँ गलत है? उसको चुनाव से जोड़कर आप देख सकते हैं। ठीक है विवेकानंद जी, इसमें कहाँ गलत है, इसमें कहाँ गलत है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं जी? जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी बता रहे हैं, दरअसल इनका इनकी जो संगठन है, इनका जो पार्टी है, वो तो पिछले 5 साल में अब तो चुनाव नजदीक आ गया है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर कोरोना का सवाल हो, हर मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और राम इनकी आस्था का सवाल नहीं रह गया है, राम इनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक राजनीतिक मुद्दा है। जब भी ये कमजोर होते हैं, जब भी इनका हर मोर्चे पर फेल नजर आते हैं, ये सेंटिमेंटल कार्ड खेलते हैं, ये भावनात्मक उखार के और सामने आते हैं। आप सोचिए ना, राम के नाम पे चंदा चोरी किसने किया? राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग आज राम के लड़ाई लड़ने वाले और उस समय कार सेवकों का सड़क बनाने की बात करते हैं। अरे पहले हिसाब को दे तो चंदा का। मेयर जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, उसका 5 या 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में बेचता है। ये अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, चंपत राय जी जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी देख रेख में मेयर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 6 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मिलती है। भैया ये तो राहन के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राम के सहारे चले जाते हैं। दूसरी चीज, जब भी चुनाव आता है आप देख लीजिए भारतीय जनता ठीक है, ठीक है धनंजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना। ठीक है ठीक है, सुन लीजिए सर, सवाल खड़े कर रहे हैं, सुन भी लीजिए। ठीक है धनंजय जी, जिस तरीके से नेहा जी, आपने देखा कि पिछले 2 दिन में, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिस तरीके का तांडव बीजेपी के गुंडों ने किया है, जिस तरह का चीरहरण किया है महिलाओं के साथ, जिस तरह की अभद्रता की है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है, और ये सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल है। ठीक है सर, ठीक है धनंजय जी, कानून व्यवस्था पर फेल है, लेकिन राम के सहारे अपने नैया पार लगाने की कोशिश 5 सालों में जो किया, उसके बिहाफ पे वोट मांगे ना सर? नेहा जी, हम लोग कहाँ वोट मांग रहे हैं? ये क्या है सर, चुनाव से पहले ही फोटो के साथ, नाम के साथ ये सड़कें बनवाई जा रही हैं, उनकी फोटो लगेगी, ये क्या है? नेहा जी, चंदा चोरी से भी तो सवाल इनसे पूछ लीजिए, उत्तर दे लीजिए चंदा चोरी पे। ठीक है सुन लेते हैं। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, कद्रू के राज को लाल कर देने वाले और बहन मायावती के साथ देश भर का कांड करने वाले, बलात्कारियों को लोगों का डर चुटा सिखाने वाले, ऐसे हिटे हुए मंदिर का हीरो मुस्कुरा के तीन तरह की बातें कर रहे हैं, चाहिए लज्जा पे सुन जाना चाहिए, तो सुनो भगवान जी पर्याप्त दिन के लिए। ठीक है, बात करते हैं और समझिए, नेता और नेतृत्व दोनों दो चीजें होती है, नेता अलग होता है और नेतृत्व अलग होता है। इनके कुछ नेता अगर पंचायत चुनाव में जीते होंगे तो जीते होंगे, लेकिन उन नेताओं को भी अपने नेतृत्व के प्रति आस्था नहीं है, इसलिए वो मजबूत किसी कद्दावर, किसी राष्ट्रभक्त और किसी समर्पित नेतृत्व के साथ जाट को खुद ही सच सके, क्योंकि इनका पार्टी किसी परिवार की पार्टी बन रही है, बाप का बेटा से, दादा का भतीजा से, भतीजा का चाचा से, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, राम तो इनके रग रग में है, ऐसा कहना है धनंजय गिरी जी का, फिर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव आते ही राम का सहारा लेके अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करते हैं, ये राम के सहारे पर ही इनको लगता है कि इनकी सरकार बनेगी? नहीं, राम इनके रग रग में है और राम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को मानने वाले लोगों के रग रग में है, तो इनका कॉपीराइट नहीं। बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदारी है जनता के प्रति, जो जवाबदेही है, उसमें सरकार ने क्या किया,
उससे मुंह छुपाने के लिए इनके पास अलग अलग योजनाएं निकल के आती हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो 4 साल 11 महीने तो राजपूत रहते हैं, उसके बाद चुनाव के अंतिम महीने में हिंदू बन जाते हैं। हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी जो बयान दे रहे थे वो अछूत हिंदू हैं, ठीक है, वो एक हिंदू तो है लेकिन अछूत हिंदू है, प्लास्टिक कुर्सी पर बैठकर उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को पूरी तरह से समझ ली है। कोविड में जिस तरह से इन लोगों ने लोगों की जान ली उस पर पर्दा डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिन कार्यकर्ताओं की जान गई है उनकी फोटो और उनकी एक मूर्ति भी राम मंदिर परिसर के आसपास लगाई जाए, उनके गाँव में राम मंदिर के परिसर के आसपास लगाई जाए, इसमें उनके आस्था की बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने ना भगवान को छोड़ा अपनी कुर्सी के लिए, ना इंसान को छोड़ा अपनी कुर्सी के लिए, ना गाय को छोड़ा अपनी कुर्सी के लिए, और ना ही गंगा को छोड़ा अपनी कुर्सी के लिए। तो चार ये महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूँ जिसपे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और आगे करती भी रहेगी। चारों के फैक्ट मैं अगर आपको बता दूं तो चारों के फैक्ट भी बता सकता हूँ। गंगा के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला हो रहा है, मंदिर के नाम पे भगवान के नाम पे चंदा चोरी हो रहा है, गाय के नाम पे आप गौशालों में जाकर देखिए जितनी गाय इस बार मरी है 5 सालों में उतनी गाय पूरे 50 साल में नहीं मरी होंगी। तो ये भगवान के नाम पे, इंसान के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। ठीक है गिरी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे प्रोफेसर विवेक सिंह के पास जाना है। जल्दी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उस दिन शर्म से मर जाना चाहिए जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था कि राम काल्पनिक थे, क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही सपना था राम राज्य। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की तो उसके पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया, तो गांधी के स्वप्न में राम, अंबेडकर के सृजन में राम, अंबेडकर की सोच में राम, हमारे हृदय में राम, हम राम मय करना चाहते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती है कि राम काल्पनिक थे तो पार्टी जी को ऐसे कांग्रेसी कहनाने में खुद को शर्म महसूस करना चाहिए। जब राम की बात करते हैं, गौ गीता गायत्री और गंगा की बात करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी को छूत साबित कर देना चाहिए जिस दिन कांग्रेस ने एफिडेविट किया था कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। ठीक है विवेकानंद जी, वाकई आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि राम के सहारे जो बीजेपी है वो सत्ता पाती है या फिर पाने की कोशिश करती है? कांग्रेस की तरफ से तो हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया कि राम काल्पनिक है, जैसा कि अभी धनंजय गिरी जी बता रहे थे और ये सब हमने देखा भी, तो उसके बावजूद जब काल्पनिक है तो अगर बीजेपी उस विषय को उठा रही है और जनता से वोट ले रही है तो फिर दिक्कत क्यों? आप तो काल्पनिक पे जी। नेहा जी जी, जरा हमारे साथी प्रवक्ता से पूछिए कि सीता मैया को टेस्ट्यू बीवी किसने कहा, जरा पूछिए हमारे साथी प्रवक्ता से कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता जी को जब चुनाव हो रहा था तो किसने कहा कि दुर्गा जी क्या है, दुर्गा जी पे सवाल किसने खड़ा किया? ये एक्चुअली क्या है कि ये केवल दिखावे की बात करते हैं, राम के नाम से सिर्फ सियासत करते हैं, राम के नाम पे केवल ध्रुवीकरण करते हैं और चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम बनाना चाहते हैं और पूरा इनके एजेंडा ही यही है। आप इनके जिस एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं आप क्लियर कट पूरा देश जान गया है, पूरी मीडिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं कि इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान है, राम है, यही सब सवालों के साथ जो मेन मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दों को ये किनारे कर जाते हैं। ठीक है प्रोफेसर विवेक सिंह जी, ठीक है ठीक है, 30 सेकंड है, जल्दी से बात करिए। उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में गंगा के किनारे लाशें बिछाई गई थी और उनपे राम नामी चादर ये सरकार छीन रही थी, वो लाशें किसकी थी? वो क्या हिंदू नहीं थे? पूछिए ना हमारे साथी प्रवक्ता से कि क्या वो हिंदू नहीं थे जब ऑक्सीजन के लिए तरफ के लोग जान दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, वो कौन लोग थे जो जान दे रहे थे, जान गंवाए हैं? हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर ने जाने ली है। ये सरकार पूरी तरीके से ठीक है प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर विवेक सिंह जी, क्या वाकई बीजेपी को ये लगने लगा है कि अगर बेड़ा पार होगा तो वो राम के नाम से ही होगा? बुनियादी मुद्दे नहीं है क्या? अब देखिए नेहा जी, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम था, मैं सभी आवाज को नहीं सुन पाया जी, लेकिन आपका प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ। देखिए अगर कोई बोलता है कि राम काल्पनिक है तो कहीं ना कहीं उसके प्रश्न चिन्ह होता है। यह देश राम का है और यह देश राममय है, राम राष्ट्र पुरुष है, देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान राम से है। अगर 1990 में निरपराध और निहत्थे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलाई गई और उनके नाम के ऊपर अगर
सरकार या फैसला ले रहे हैं कि सड़कें बनाई जाएंगी उनके नाम पर, उसमें बुराई क्या है? ऐसा फैसला है जिसका आप होना चाहेंगे, और वो बेचारे क्या चाहते थे, जलसा भी तो करना चाहते थे लेकिन उनको गोली मार दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या वे लोग जो अनायास मार दिए गए वे इस देश के नहीं थे? आपको दर्द क्यों हो रहा है अगर उनसे राष्ट्रभक्ति में उनको मार दिया गया और सरकार अच्छा करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ध्रुवीकरण की राजनीति जो है इसके लिए कौन सी अच्छा ले जाते हैं? एक समय था जब जयंत सिंह यादव को मौलाना स्वयं बोला जाने लगा था और उसके बाद इसकी सूची का कारण यह था कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह एक पक्ष को लेकर चल रहे थे तो मुस्लिम और इसके अलावा अगर आप देखिए तो उनका जो बलिदान था व्यर्थ नहीं गया कार्यक्रमों का और कानूनन इसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ठीक है प्रोफेसर विवेक सिंह जी ठीक है और ये लोग आपने जो बोला उस पर रिएक्शन लेंगे विवेकानंद पाठक जी से भी लेंगे और धर्मेंद्र यादव जी से भी लेंगे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपसे जानना चाहेंगे हम धनंजय जी आप बताइए जिस बात का जिक्र अभी प्रोफेसर विवेक सिंह जी कर रहे थे ठीक है विवेकानंद जी पहले आप अपनी बात रखिए जल्दी से जिस तरह के प्रोफेसर विवेक सिंह जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हुए हैं लेकिन जो बात इन्होंने बोली उसमें कहीं से राजनीतिक विश्लेषण दिखा नहीं ये तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और विहिप और आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में नजर आ रहे हैं दूसरी चीज है मैं अपने आपके माध्यम से प्रोफेसर साहब से कहना चाहूंगा कि यदि बात कारसेवकों की हो रही है और उनके नाम से सड़क बनाने की हो रही है तो कारसेवक तो मुरली मनोहर जोशी जी भी थे लालकृष्ण आडवाणी भी थे कल्याण सिंह जी थे आज हॉस्पिटल में है उमा भारती भी थी जब पूजा से रुख की हो रही है जो कि रहे नहीं इस दुनिया में नहीं नहीं मारे गए उन कार से रुख की बात हो रही है लेकिन पूरी तो बात नेहा जी पूरी बात सुन लीजिए पूरी बात सुनने जान लीजिए वो लोग जब राम जन्मभूमि का पूजा हो रहा था तो जो अंबानी और अडानी के चौकीदार साहब है उनका प्रेम बना रहे सिर्फ उन्हीं का प्रेम बना रहा है इसलिए इन सारे जो आंदोलन खड़े थे उनको किनारे कर दिया गया है और यहाँ पर दिखावे के लिए राजनीतिक एजेंडे के तहत केवल पोलराइजेशन कराने के लिए चुनाव राजनीति का एजेंडा तो हमने 1990 में भी देखा था ना धर्मेंद्र यादव जी क्या नहीं देखा था 1990 का वो दिन याद करिए सर जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाकर सेक्युलरिज्म के मसीहा बने थे याद है वो दिन सर नेहा जी सरकार की जवाबदेही होती है जनता के प्रति लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर वो काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और उसमें कोई मुझे लगता है कि आपत्तिजनक बात नहीं थी दूसरी बात मैं प्रोफेसर विवेक सिंह जी की मैं कहना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें अभी मोहन भागवत जी का बयान जो आया था कि जो मुसलमान है उनका डीएनए हिंदू का है तो अगर मोहन भागवत जी बयान दें तो बहुत अच्छी बात है कोई दूसरी पार्टी बयान दे यानी कि रामराज्य नहीं आ रहा है हिंदू खतरे में पहले मेरी बात का जवाब दीजिए सर धर्मेंद्र यादव जी जब दर्जनों राम भक्तों की लाशों पर चढ़कर मुल्ला बने थे मुलायम और बाद में कहा था कि और भी मारते सर उसका क्या सेकुलरिज्म पे रहिए ना सर अगर राम भक्त के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है तो फिर इसमें तकलीफ क्यों आप तो सेकुलरिज्म पर रहिए ना आप तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर वोट मांगे ना सर मैंने कोई तकलीफ बताई आपको मैंने कोई तकलीफ बताई मैंने सर आप लोग तो कह ही रहे हैं राम के नाम पर अपने नैया पार लगाते हैं मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है मैं विवेक जी की बात पे आ रहा था विवेक जी की बात पे मैं आ रहा था जो ये राम राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है अगर वो राम राज्य का अगर 0.1% फॉलो कर लेता तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती कि राम राज्य का पालन करना चाहते हैं और राम राज्य के मानने वाले लोग हैं इसी प्रदेश में आपने अभी दो चुनाव देखे एक कार्यक्रम का बाई दावे नाम लोकतंत्र है तो इसलिए मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ अभी दो आपके चुनाव हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए अभी चुनाव हुए 10 तारीख को हम पर्चा भरे जा रहे थे इस चुनाव में जिस तरह से सत्ता और पुलिस ने प्रशासन ने नंगा नाच करके लोकतंत्र को कलंकित किया वो राम राज्य का कोई हिस्सा है क्या क्या राम राज्य में ऐसा होता था क्या राम राज्य में महिलाओं की साड़ियां फाड़ी जाती थी क्या राम राज्य में एक बेटी को जिंदा जलाया बेटी को दिन में जलाया रात में जलाया जाता था क्या राम राज्य में बलात्कार होता है ये राम राज्य है इनका ये राम राज्य की बात करते हैं जिस प्रदेश के अधिकारी योगी दरबार में जाकर के घुघरू पहन के वहां नाच करेंगे उस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है ऐसे हो जैसे आपने देखा आज आपने देखा कि माता पिता जी
ठीक है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस वसूलोगी करती है, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती है। राम राज्य के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हथियाने काम करते हैं। ठीक है धनंजय जी, सवाल इस बात को लेकर, राम राज्य सर ऐसे ही आएगा क्या, सड़कें बनाकर उनके नाम चस्पा करके उनके फोटो लगा के राम राज्य आ जाएगा? ये कानून व्यवस्था को भी नियंत्रण में रखना होगा, इसी कानून व्यवस्था को बेहतर करने के दावे पर ही आप लोग सत्ता में आए थे सर। नेहा जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतनी अच्छी कानून व्यवस्था इतिहास में कभी नहीं रही है, और सारे लोग तो आज देखा सर, आज के डेट आज में दिखा। आज के डेट में आज दिखा बदमाश मवाली जो है यूपी जाने से डरते हैं, और कांग्रेस की बेहतरीन है। आप तो समाजवादी पार्टी आदमी के नेता, उत्तर प्रदेश पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो गुंडागर्दी होती थी उससे भी आप एक नंबर ऊपर चले गए हैं, और यहाँ पर सवाल किया है। ठीक है सर, सवाल सर, सवाल तो मेरा आप सभी से है, आप लोगों से ही मैं डिबेट करने के लिए बैठी हूँ, लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि राम राज्य, सर राम राज्य का हम जिक्र करते हैं, ये तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आप तो सत्ता में हैं सर, डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, केंद्र में भी राम के नाम पे वोट, राज्य में भी राम के नाम पे वोट, राम मंदिर जब बनता है तो उसमें करोड़ों का घोटाला निकल के सामने आता है सर, इसको कैसे देखें? नेहा जी, या की रही भावना जैसी रघु मूरत देखी थी तैसी, जिसके जो विचार है जिसके जो मन में है उसको वैसा ही दिखेगा। आप जैसा चश्मा लगाएंगे आपको बाहर का नजारा वैसा ही नजर आएगा। नहीं हुआ क्या? समझ में आएगा सर, नहीं हुआ क्या? ये खबर नहीं है क्या कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई? भक्त का चश्मा लगाए हैं इनको, पूरा उत्तर प्रदेश अच्छा दिख रहा है, ये भक्त वाला चश्मा लगाए हैं धनंजय गिरी जी, भक्त का चश्मा लगाए हैं इसलिए इनको कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत हरी भरी बहुत अच्छी दिख रही है। और आप सर्दी का चश्मा लगाने वाले लोग, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तार तार करने वाले लोग, बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग, राम से भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग, सरजू के पानी को मंच नहीं है, चुनावी मंच नहीं है, दांत दिखाने वाले लोग, चुनावी मंच नहीं है, भाषा नहीं चलिएगा, अरे भाषा नहीं यहाँ पर। आपने अपने तंत्री सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए राम कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये चुनाव से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, हमारे लिए राम उस संस्कृति में अनुप्राणित है, हमारे प्राणों में अनुप्राणित है, अनुगुंजित है, जो कि राममय हमारी संस्कृति है, हमारे हम जीते राम को विषय नहीं है। और जहां तक बात है इन लोगों ने धनंजय जी गोली चलाई, धनंजय जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद मुसलमानों को धनंजय बनना चाहते हैं, चलो उठाओ मुसलमान चुनाव की रुताई, राम को जीते हैं, मानते हैं सर, राम रग रग में है सर, मानते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर जिसके रग रग में राम है, इस्लाम मतावलंबियों ने भी राम की सुन लीजिए, इस्लाम मानने वाले, सुन लीजिए सुन लीजिए धनंजय जी पहले सवाल सुनिए धनंजय जी, सवाल ये है कि जिसके रग रग में राम बसा है, जो राम राज्य चाहता है, जो राम राज्य में जीता है, जो राम के आदर्शों को मानता है सर, क्या वो करोड़ों का घोटाला कर सकता है? मुझे बताइए ना। तो सर ये खबरें जो निकल के सामने आ रही है, भैया जी जोशी को भेज दिया गया उत्तर प्रदेश हालात का जायजा लेने और ये देखने कि किसी भी तरह की ये मसला ऊपर ना उठ जाए, इसे कैसे देखे सर? किसी भी तरह की कोई बात होगी तो परिवार के जो मुखिया होंगे वो आएंगे, पता करेंगे, इससे ये कतई नहीं साबित होता है कि कोई आरोप लग गया या किसी से आरोप लगाने का पेपर तो कोई मतलब नहीं है। भाई राम के नाम पर तो हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, भांति भांति की अड़चने आई है, राम का मतलब ही संघर्ष है, राम का पूरा जीवन संघर्षमय है, राम वनों में भटकते रहे, संघर्ष करते रहे, राम के नाम पर हम सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और अड़चने आएंगी, खरदूसन आएंगे, बाधाएं आएंगी, सुप्रखाएं आएंगी, रावण आएगा, लेकिन हम उन सारी मामले में चंपत राय को संघ ने चित्रकूट तलब किया, चंपत राय और अनिल मिश्र को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से दूर भी किया जा सकता है, इस तरह की भी खबरें हैं। बिल्कुल खबरें, ऐसी कोई जमीन खरीद पर भैया जी जोशी अयोध्या आएंगे, ये भी खबरें हैं सर, तो ऐसे में सवाल इस बात परिवार के मुखिया तो हमेशा आएंगे जाएंगे, देखेंगे, निगरानी करेंगे, समझेंगे सर, क्यों घोटाले की खबरें आई है सर?
आप लोगों के राज्य में राम राज्य और राम राज्य बार बार आप लोग कहते हैं सर, वहाँ पे राम के नाम पे घोटाला, ये राम के नाम पर ना कहीं कोई घोटाला था, ना है ना होगा, इतनी आप निश्चिंत रहें। और जहाँ तक रही बात, इस देश में जमीन एक ऐसा मुद्दा है जो जमीन विवादित मुद्दा शुरू से रहा है, और जमीन कैसे ट्रांसफर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पर एक डिटेल बहस कई बार हो चुकी है। अगर आप जमीन पर ही बात करना चाहती हैं तो आप पर्टिकुलर जमीन पे आइए, इसको एक पर्टिकुलर ऐसा ढेला फेंक के भागा नहीं जा सकता है। ये बहुत गहन विषय है, आप या तो राम पे बात करिए या जमीन पे बात करिए, जमीन एक अलग विषय है। जमीन की तो राम मंदिर का ही, क्रोनोलॉजी तो राम मंदिर का ही लिया तो उसके लिए ही गया। एक मिनट नेहा जी, जमीन के मुद्दे जो है इस देश में पुश्तों से चलते हैं, ठीक है, जमीन के मुद्दे तीन तीन पुस्तों में नहीं सुलझते हैं। तो जमीन एक ऐसा मुद्दा है जो अत्यंत ही विवादित विषय है, अत्यंत गूढ़ विषय है, उस पर बैठ कर चर्चा करनी होगी। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, बिजली पानी रोजगार महंगाई सर, ये मुद्दे कहाँ हैं जो चुनावों में अक्सर होते हैं? हमारी सरकार ने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में काम किया, जिस तरह से 1090 हम लोगों ने दिया, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आप मेट्रो की बात करिए, उत्तर प्रदेश में अगर एक शहर में मेट्रो चलवा दिए तो बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में एक काम किया बताइए, मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने 13 बनवाए, उसके बाद एम्बुलेंस की जो हमारी 100 सबसे ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, इसकी सराहना हुई। लेकिन बात ये नहीं है, बात मैं आज धनंजय जी हमारे बहुत वरिष्ठ आदमी है, बहुत ही गंभीर है, इनकी बात मुझे सुनने में ठीक लग रहा है। इनको अभी ये जानकारी नहीं है कि जो एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में महिला अपराध में नंबर 1 है। इन्होंने पता नहीं क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, हो सकता है कि सरकार की रिपोर्ट नहीं मानते हो, आजकल दिल्ली और लखनऊ में थोड़ा तलखी भी चल रही है, पहले नंबर 1 नहीं था क्या? पहले नंबर 1 नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पता करवाने के 2015-17 में महिला अपराध अपने आप बढ़ गया और बाकी घटनाएं बढ़ गई हैं। इनके जो मित्र हैं, सर पहले तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी ना, क्राइम का ग्राफ कब बढ़ता है सर? मोदी जी के मित्र आसाराम, क्राइम का ग्राफ कब बढ़ता है यादव जी? क्राइम नहीं, मुझे बताइए ना, क्राइम का ग्राफ कैसे आप आंकते हैं कि क्राइम का ग्राफ है? इनकी जो सर हमने देखा है, सर सपा का शासन भी देखा है, पहले तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी, आज आप कह रहे हो कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। मैडम डायल 100 आप घर पे क्या बात कर रही हैं? आप कौन से यूपी में रहती हैं क्या? सर मैं यूपी में ही रहती हूँ, सर मैं यूपी में ही रहती हूँ, यूपी में ही पली हूँ। मतलब जानती हैं डायल 100 का मतलब आपको घर पुलिस आएगी? सर मैं तो सबको जानती हूँ, 100 नंबर पे कॉल भी करके देख लीजिए सर, 100 नंबर पे कॉल भी करके देख लीजिए, वो पहले भी मैंने की है सर, मुझे मत बताइए सर, मैं हकीकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ उत्तर प्रदेश में। डायल 100 का रिस्पॉन्स सिस्टम मैम टेक्निकली आप पता करवा लीजिए पूरे देश में। सर मुझे पता करवाने की जरूरत नहीं है ना सर, मैं तो खुद जानती हूँ ना चीजों को क्या है, हमने तो खुद डायल कर रखा है कि कब पुलिस आती है कब पुलिस नहीं आती है, मुझे बखूबी पता है सर, मुझे बखूबी पता है सर। विवेकानंद सुनिए, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और बाकी सरकारों से बेहतर रही है उत्तर प्रदेश में, जो समझा सर वो सर आंकड़े भी बता रहे हैं और सर हमने खुद देखा है सर। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से बता दूं, आप स्थिति देख रही है जो महिला के साथ अभी चुनाव में आपने देखा, और जो मैंने आपको बताया आजम खान का बयान भूल गए क्या? आजम खान का बयान भूल गए, मुलायम सिंह यादव का बयान भूल गए, भूल गए याद दिला दूं मैं आपको, जयप्रदा को लेकर आजम खान ने क्या बोला था, मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला था, लड़कों से गलतियां हो जाती है बलात्कार के केसेस में, ये भूल गए हैं क्या? वो किसी का निजी बयान हो सकते हैं सर उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव, अगर इस तरह का बयान देते हैं वो भी सार्वजनिक मंच पे तो ये निजी हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? विवेकानंद जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने संघर्ष के जद्दोजहद के बाद मुझे थोड़ा सा स्वर्थ दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। ये एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बंटे हैं। आप जो कह रही थी, मैं आपसे आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे 2012 से लेकर 17 तक की समाजवादी पार्टी की सरकार हो या 17 से लेकर अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट रहा है। एनसीआरबी की डाटा के हिसाब से पहले भी उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 था और आज भी उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। हाँ, योगी जी ने जरूर अखिलेश को इस मामले में एक मामले में पछाड़ दिया है, वो है अपराध, वो है कानून व्यवस्था। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे धनंजय जी राम को जीतते हैं, राम को ऐसा करते हैं, अरे भैया सुंदरकांड की एक चौपाई याद है क्या आपको? नहीं याद होगी, यदि होगी राम विमुख हाल दोबारा रहा न कोई रोवन हारा,
तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कांग्रेस की चौपाई पर फिट बैठती है कि राम विमुख असहाय तुम्हारा रहा न कोई रो अनहारा। भैया नंबर आएगा तब सुनाने के लिए कह रहा हूँ। जी 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 आपने पूछा इसलिए बताना जरूरी था। एक और चौपाई है, एक और चौपाई इसी से चले, एक और चौपाई है रघुकुल रीति सदा चर्याई प्राण जाई पर वचन न जाए जाई। इसी को हम पालन करते हैं और इसी को आप कोर्ट में जाके भी डेबिट कर देते हैं कि राम काल्पनिक थे। 15 लाख कहाँ है, 10 करोड़ रोजगार कहाँ है, देखिए कहाँ चले गए, महंगाई की कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ गया वादा, कहाँ गया वादा, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कहाँ गया, 15 लाख खाते में आने का वादा कहाँ गया, महिलाओं को उत्पीड़न और हिंसा बंद होने का कहाँ गया, महंगाई कम करने का वादा कहाँ गया। कांग्रेस के कलंकों को कुत्तों को कर्मों की कोई कलाकांत नहीं है और देश की जनता माफ नहीं करने जा रही है कांग्रेस को। पाठक जी वो जाइए राम विमुख साल तुम्हारा रहा न कोई रोवन हारा। चलिए चलिए इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। प्रोफेसर विवेक सिंह के पास भी चलेंगे क्योंकि उनसे भी काफी देर हो गई, सवाल नहीं पूछे गए, उनसे उनके पास भी जाएंगे, सवालात करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, क्या वाकई ये विपक्ष की नाकामी हम समझे क्या विवेक जी, कि जिस तरह से सख्त जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे फिलहाल नहीं उठाए जा रहे, जिस वक्त इस वक्त सड़क पर होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जो तमाम विषय हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, क्या नहीं लगता कि अभी फिलहाल उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा, यहाँ पर कमी और यहाँ पर खामियां विपक्ष की देखी जा सकती है। बात थोड़ी सुनने में केवल 2 मिनट लूंगा और मेरे जो भी जिसको जवाब देना है मेरे साथ बात वो लोग जवाब दे सकते हैं। जी जी देखिए आपने बोला महंगाई अर्थव्यवस्था, तो देखिए हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं। महंगाई अर्थव्यवस्था का दुष्प्रभाव पड़ा है COVID-19 का और पूरे दुनिया पर पड़ा है, केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है, पूरे दुनिया में कर्ज बढ़ा है, पूरे दुनिया में समस्याएं आई है। अभी बात हो रही थी राम राज्य की, तो राम राज्य कैसे और होता है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए बिजली 24 घंटे मिल रही है, इन बात करते हुए बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, पर कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ गई है, ट्रिपल सी जो मॉडल है उसको अपनाकर योगी सरकार ने पूरे तरीके से कोरोना पर कंट्रोल पा लिया है, गरीबों के लिए उपयुक्त सुविधाएं दिया जा रहा है, बिल्डों पर कार्रवाई की जा रही है और कैसा कामराज होता है। रही बात बरेली की घटना की, आप बात करिए समाजवादी पार्टी के नेता ने किस प्रकार से परिवार के लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी किया था, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, मुलायम सिंह को माफी मांगनी पड़ी 1990 के अपने घटना जिसमें उन्होंने सेवकों पर गोली चलवा दिया था, सोनिया गांधी को माफी मांगनी पड़ी जब उन्होंने काल्पनिक मान दिया था भगवान राम को। तो देखिए अगर शहीद लोगों के नाम पर जो उस घटना में 1990 में हुए थे उनके नाम पर सड़क बनाए जाने पर आपत्ति क्या है। देखिए बहुत हमने भी दोहा कहा ना, ये भी है राम ही केवल प्रीत दिया रहा, चार सेवकों के नाम पर जो राम भगवान राम से प्रीति करने वाले लोग थे उनके नाम पर अगर सड़क बन रही है तो इनको आपत्ति क्या है, क्या सरकार उनके लिए सूचना करे, उनके लिए कोई सम्मान रखे। और राम के भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, राम के नाम पर राजनीति करना कम से बुरी बात है, अगर राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए राम के नाम को लेकर राजनीति करना मैं बिल्कुल उचित मान रहा हूँ। ठीक है, राम के नाम को लेकर राजनीति करना बिल्कुल उचित मान रहे हैं, ठीक है उचित मान रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, क्या वाकई आपको लगता है कि यहाँ पर आप लोगों की कुछ, विवेकानंद जी आपकी कुछ नाकामी और कुछ खामियां रही, क्या नहीं लगता कि इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने की बजाय आप उन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट करते या फिर उन मुद्दों को ज्यादा उठाते जो वाकई समस्या है उत्तर प्रदेश की, देश की? देखिए नेहा जी, पिछले कई महीनों से लगातार आप देख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मुद्दों की राजनीति कर रही है, चाहे कोरोना का फर्स्ट वेव था, कोरोना का सेकेंड वेव था, दोनों वेव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से उतरकर लोगों की मदद की है, यहाँ तक कि हमारे नेताओं के ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर हुए हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। आप अभी हाल ही में देखा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस ने कैसे प्रदर्शन किया, अभी कल भी कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में उनके फ्रंटल्स ने प्रदर्शन किया। तो बेरोजगारी के सवाल पे सवाल खड़ा करते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी जनहित के मुद्दे हैं, हमारे नेता, हमारा संगठन मुद्दे लगातार उठा रहा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि इन मुद्दों पर वो पूरी तरीके से फेल हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा,
आप देख लीजिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं लगातार। पहले तो यदि एक रुपया 25 पैसा 40 सरकार में, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके घर में बात की घुमा करती थी संसद भवन के सामने, लेकिन आज चुप्पी साधे हुए हैं लोग, अपने मुंह पे टेप लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चुनावी, हम जो जनहित के मुद्दे हैं, जो लोगों के सवाल हैं, उन पे हम बोलते नहीं है। लगातार हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी देखिए पिछले 1.5 सालों में किस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हुई है, सबसे ज्यादा पुलिस किसको गिरफ्तार की है, सबसे ज्यादा मुकदमे किसपे हुए हैं, तो ये मुकदमे ही बता दे रहे हैं कि कौन संघर्ष कर रहा है। दूसरी बात मैं प्रोफेसर विवेक सिंह जी से लेना चाहूंगा कि जो राजनीतिक विश्लेषक इनके नाम के सामने आप लोग लगाए हैं, तो आपसे भी निवेदन है और विवेक जी से भी मेरा निवेदन है प्रोफेसर साहब से कि वो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ना बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पेश करें, क्योंकि आपका सवाल कुछ और है जब आप वो एजेंडे पे दे रहे हैं, उसी हिंदुत्व के एजेंडे पे, उसी उग्र राष्ट्रवाद के एजेंडे पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि एजेंडा है उसी एजेंडे पे ये बात कर रहे हैं। आपत्ति किसी को नहीं है, किसी को किसी भी चीज पे आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल तो होगा ना। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, ठीक है विवेकानंद जी, ठीक है, ठीक है सर। कोरोना में सरकार फेल हुई, ठीक है सर, कानून व्यवस्था, आपने पूरा अपनी पूरी बात रखी सर, आपको पूरा मौका दिया, आप शांत, ठीक है। आपसे सवाल है मेरा धनंजय जी सर, क्या इस विषय पर क्या आप जनता के बीच जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, हमने कार सेवकों के नाम पर सड़क बनवाई, या फिर उन मुद्दों को लेके जाएंगे सर जिससे जनता को फर्क पड़ता है? नेहा जी, प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं 30 करोड़ जनता की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो हमारे काम है, हमारे जो किए गए काम है डबल इंजन की सरकार ने, जो प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने जो जनहित के मुद्दे पर काम, उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेके जाएंगे सर, मुझे बताइए ना किन मुद्दों को लेके जाएंगे कि हमने अच्छा काम, हमने बेहतर काम किया है, आप हमें वोट दीजिए, जनता के सामने क्या रिपोर्ट कार्ड रखेंगे आप 5 साल का? उत्तर प्रदेश में सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड है वो इतने लंबे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी लंबी फेहरिस्त से काम करने वालों की, चूंकि हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के लिए कोई ये भोगा हुए यथार्थ है। गांव गरीब किसान उनकी उनसे अनुप्राणित है, उनकी चेतना में अनुप्राणित है, उनके लिए कोई किताबी बात नहीं है, उस जीवन को उन्होंने जिया है, इसलिए समाज जनता को फर्क पड़ता है महंगाई से सर के लिए। सर एक सेकंड सर, जनता को फर्क पड़ता है महंगाई से, जो भी समस्याएं हैं नेहा जी, वो सर जनता को फर्क पड़ता है स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से हुई, इतने बड़े पैमाने जनता को फर्क पड़ता है कि उनके बच्चों को शिक्षा कैसे मिली, जनता को फर्क पड़ता है कि इस वक्त पेट्रोल के दाम क्या है, जनता को फर्क पड़ता है कि उसे रोजगार मिला या नहीं मिला। ये पूरी दुनिया जितनी बड़ी वैश्विक महामारी और जितनी बड़ी आपदा से गुजरी है, उससे समय पर आने में, पटरी पर गाड़ी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो काम इतनी तेजी से, इतनी द्रुत गति से हो रहा है कि समय रहते सब कुछ नियंत्रण में कर लिया जाएगा। और इस विपदा के समय में 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने का काम, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, और इतनी तेजी से जो सरकार ने व्यवस्थाएं की अहर्निश सेवा में, आठों पहर सजग होकर के जिस महामारी के खिलाफ सरकार ने लड़ाई की है, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो लड़ाई की है, जिस तरह से लोगों की प्राण रक्षा हुई है, इतनी बेहतर लड़ाई की है, तो मंत्रियों को क्यों हटा दिया गया? स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, शिक्षा मंत्री को हटा दिया, आईटी मंत्री को हटा दिया, पेट्रोलियम मंत्री को हटा दिया, तो सारे मंत्रियों को तो आपने हटा दिया। आप कह रहे बहुत बेहतर काम किया है सर, ये कैसे काम किया है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं सर, लेकिन जनता मरती रही, आप कह रहे काम किया है, और प्रगति के समय काम करने का तरीका अलग होता है। और धर्मेंद्र यादव जी, इतना काम हुआ है जिस बात का जिक्र अभी धनंजय जी कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों क्यों है हो हल्ला करते रहे कि जी काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ? धनंजय जी तो कह रहे बहुत अच्छा काम हुआ है। हम क्या कर रहे, यूपी की जनता कर रही, और आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन पूर्वानुमान के हिसाब से मैं बोल दे रहा हूँ, धनंजय जी की जो पहली लाइन थी उन्होंने ये कहा कि मोदी जी और योगी जी ने इतना फेंक दिया है कि काम के लिए इतनी लंबी हो गई है, ये सरकार ने बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई एक काम ही बता नहीं सकते। आज की दिन में अगर एक काम का जिक्र कर दे कि हमने एक काम किया है, तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रवक्ता है और इनकी सरकार ने काम किया है। अभी जो मैं लास्ट में आपकी बात समझ पाया, उसमें जो आपने मंत्रिमंडल के फेरबदल की बात कही, देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन अच्छा काम किया, कौन बुरा काम, कौन बड़ा चेहरा, कौन छोटा चेहरा, इससे कोई मतलब नहीं है। केंद्र की सरकार में मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, मोदी तानाशाह हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, बाकी इससे कोई मतलब नहीं किसने अच्छा किया, किसने खराब किया। अगर
हर्षवर्धन जी को हटाने का बिल्कुल क्लियर मैसेज है। हर्षवर्धन जी को हटाने का मतलब कि कोविड में पूरी तरह से फेल हुए। आप मुझे बताइए कि जो अनाउंसमेंट है, जो पॉलिसी की जानकारी है, वो प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। चलिए सर, इस पर हम डिबेट लगातार जारी रखेंगे कि मंत्रियों को तो हटा दिया गया लेकिन बेहतर काम का हवाला लगातार दिया जा रहा है। माफ कीजिएगा यादव जी, मैं आऊंगी आपके पास ब्रेक के बाद, जब लौटूंगी तो फिर आपके पास आऊंगी। आपको यादव जी जल्दी से अपनी पूरी बात करिए। हाँ मैडम, हमें बता रहे थे कि जो कैबिनेट में बदल हुआ है उसमें मैं दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उससे थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी कि मोदी जी ने किया क्यों। मोदी जी ने क्या किया कि जो उत्तर प्रदेश के हमारे सांसद हैं कौशल किशोर जी, उन्होंने कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्षमता पर हमेशा सवाल खड़ा किया कि कोविड का प्रबंधन सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो कौशल किशोर है वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन वहीं पे अगर आप इनको संतोष गंगवार जी की बात करें, संतोष गंगवार जी भी लगातार सरकार से सवाल उठाते रहे कि सरकार कोविड में सही प्रबंधन नहीं कर पा रही है, इससे लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, दवाइयां नहीं है, इसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं संतोष गंगवार जी को बाहर किया जाता है लेकिन कौशल किशोर जी को अंदर किया जाता है। ये एक तो पहली बात है कि जो दिल्ली और लखनऊ की तलखी है उस तलखी का भी नतीजा है जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि वो बड़े चेहरे रहे और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया जाए। जैसे अनुप्रिया पटेल जी को 4.5 साल तक बेंच पे रखा गया, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन जब चुनावी मौसम आ गया तो उन्हें मंत्री बना दिया गया। अगेन कोई नहीं, वो साथ में 7 जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें से 6 फुल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, कितने लोग आते हैं, और उसमें 1 ब्राह्मण चेहरा आता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ओबीसी वोट को साधने का पूरा प्रयास किया प्रधानमंत्री ने। सर वो तो उनका अधिकार है ना सर, वो तो उनका अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल मैं नहीं करा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो तो सभी के सामने है सर, वो तो देखिए वो केंद्र का अधिकार है, वो किसी को भी अपना मंत्री बनाए, किसी को भी कैबिनेट में शामिल करें, चाहे यूपी चुनाव के मद्देनजर, वो तो जिस भी पार्टी की सरकार होती है सर वो तो करते हैं, वो तो करते हैं सर। लेकिन राम के नाम पर जिस तरह से गोटी फेंकी जा रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि उसका कितना प्रभाव चुनावों में पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को रख दीजिए। विवेकानंद जी, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चार तरीकों को पूरी तरह समझ चुकी है समाजवादी पार्टी। अब यहाँ पे कोई इस तरह का सगुफा नहीं चलने वाला है जैसे 2014 में चला, 2017 में चला, 2019 में चला। ठीक, पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं वो, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे कोविड प्रबंधन की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे किसानों की बात कर लीजिए, चाहे आर्थिक संकट की बात कर लीजिए, चाहे आप विदेश नीति की बात कर लीजिए। जिस तरह से 56 की छाती वाले आए थे और चाइना इस तरह से घुस के बैठा हुआ है, सुन लेते हैं, उनकी छाती पे कोई शिकन नहीं महसूस हो रही। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए विवेकानंद जी, राम के नाम का कितना असर पड़ेगा चुनावों में? यूपी में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी भी पुरजोर तरीके से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वो भी हमने देखा कि हर जगह जाना, किस तरह से आम जनता के बीच वो जा रही हैं और हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं तैयार दिखाई देती हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से कार सेवकों के नाम पर सड़क बनाई जा रही है, जिस तरह से मंदिर निर्माण को बहुत ज्यादा गति दी जा रही है, एकदम तेजी से कार्य किया जा रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा चुनावों में, और या इससे पहले पड़ता रहा है क्या? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धनंजय गिरी जी ने कहा कि काम की लिस्ट बहुत बड़ी है। दरअसल वो काम की लिस्ट नहीं है, वो कारनामों की लिस्ट है। इनके कारनामों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश की जनता एकदम बिल्कुल जान चुकी है और देश की जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र कैसा है, ये कहते क्या है और करते क्या है। और सवाल इस बात का, जनता तो सब जानती है, आपको मौका ही नहीं देती, क्यों नहीं? देखिए चूंकि आप एक अच्छी पत्रकार हैं और समझ सकती हैं कि राजनीतिक सियासत जो उत्तर प्रदेश का है वो किस तरीके से इन लोगों ने, चाहे वो सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी, विवेकानंद जी राजनीति तो सभी करते हैं सर, राहुल गांधी भी करते हैं, वो भी अपना गोत्र चेंज कर लेते हैं और बताते हैं कि मैं तो जी ब्राह्मण गोत्र से हूँ। सर सभी राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर सभी खेलते हैं सर। मुझे ये बताइए कि आप पे विश्वास क्यों नहीं करती उत्तर प्रदेश की जनता? नेहा जी वही तो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए पूरा। दरअसल पूरा 30 साल से जो सियासत रहे उत्तर प्रदेश की, सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने जाति, धर्म, संप्रदाय, नफरत, इन सब की सियासत पूरे उत्तर प्रदेश में 30 सालों से की है और जिसका खामियाजा पूरा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। मैं कह रहा हूँ कि 826 ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में और जिन ब्लॉकों में पीएससी और सीएससी 89 से पहले बने हैं
वही पीएससी सीएससी है। आज जो कोरोना की लहर के दौरान हम आप ही के चैनल पे एक डिबेट कर रहे थे, हमने पूरी लिस्ट उस समय बताई थी कि कितने प्रदेश में सीएससी और पीएससी हैं। एक पिछले 30 सालों में एक भी पीएससी और सीएससी नहीं बने हैं, ये इनके कारनामे हैं। चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार फेल है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि वो ठीक है, जातिवाद की राजनीति हो रही थी, संप्रदाय की राजनीति हो रही थी, कट्टरता की राजनीति हो रही थी, उग्र हिंदुत्ववाद की राजनीति हो रही थी, उग्र राष्ट्रवाद की राजनीति हो रही थी, लेकिन जनता अब धीरे धीरे इस चीज को समझ रही है। उसको जब पेट्रोल खरीदने जाती है ना, एक ठीक है, 2 रुपए का खरीदती है तो उसे समझ में आता है। जब सरसों का तेल 250 रुपए लीटर खरीदती है ना जनता, तो उसको समझ में आता है कि ये तो कहाँ हमारा चूल्हा लग गया है। दरअसल बात ये है ना कि हमारे तरफ एक देहात में कहावत थी, ठीक है, तो एक चोर घंटी लेके उधर चला जाता था और दूसरा चोर जो है कि भैंस लेके इधर चला जाता था। तो ये जो घंटी है ना जो बजते हुए जा रहे, जिसके पीछे जनता अभी तक भग रही थी, वो कट्टरता की थी, उग्र हिंदुत्ववाद की थी। सर फिर चुन लिया मोदी को, फिर 2019 में चुन लिया, इतनी जनता तो सब समझती है ना सर। अब नहीं चुनेगी, अब नहीं चुनेगी नेहा जी, अब नहीं चुनेगी। 2024 बहुत नजदीक है, ठीक है, ठीक है, जाने वाला है, राफेल आने वाला है, ठीक है, लंका भी खुल गया है, ठीक है, जांच हो रही है राफेल की, ठीक है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, राम के नाम का फर्क पड़ेगा क्या यूपी के चुनावों में, लगता है आपको? धर्म के नाम पे सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है सर, राजनीतिक पार्टियां हैं ही राजनीति करने के लिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि राम के नाम की हम बात कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा? देखिए, राम के नाम पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे आराध्य हैं, और हमारे नहीं पूरे देश के करोड़ों करोड़ लोगों के आराध्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता है और उनके भी आराध्य हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। मैं 3 बात बहुत जल्दी कहना चाहूंगा। अभी बात हो रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस दम पर ये लोग उछल रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में केवल लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस को चाहिए किसी छोटे दल के साथ गठबंधन कर ले और इससे हो सकता है थोड़ा इसको 2-4 सीट मिल जाए, तो कांग्रेस का तो कोई जनाधार है नहीं। दूसरी बात यह है, चलिए आर्थिक व्यवस्था पर बात की जा रही थी, महंगाई बढ़ रही है। देखिए मैं बहुत शोर में बता दूं, लगभग 6.5 लाख करोड़ की हमको सक्री देनी पड़ती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो रही है और यहाँ पर इनकम इतना कम गवर्नमेंट का हो गया है, तो उसको लाने के लिए पेट्रोल टैक्सेस से पैसा वसूल रही, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है सबको, फ्री दवा, खाना, टीकाकरण, और आपकी जब इनकम कम हो तो फिर ये सब काम आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ है उससे पूरी तरीके से यूपी चुनाव पर भी उसका फोकस रहा है। अब राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी ही, जाति और क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरीके से साथ लिया गया है और इसका आप परिणाम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से इस समय 15 सदस्य जो है मंत्रिमंडल में है, और जिसमें से आप देख लेंगे तो अनुसूचित जो है जाति से 7 ठाकुर, 2 ब्राह्मण, 2 अनुसूचित जाति के 2 लोग हैं। तो देखिए अनुसुईया पटेल को भी शामिल किया गया ताकि एनडीए का जो अलग अलग घटक दल है उनको भी हम साथ मिला सके। बिल्कुल ब्राह्मण, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर तबके से, कहीं ना कहीं हर वर्ग से कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश की गई थी, और यही वजह है कि यूपी से इस बार इस मंत्रिमंडल में विस्तार के वक्त में 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।